गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आई सेल्फ हेमंत विश्वकर्मा, श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हार्ट प्लेयर। आज हम क्लास 10 जो लेसन है द हैप्पी प्रिंस, उसके क्वेश्चन नंबर जो है उसके जो पार्ट्स नंबर 3 है क्वेश्चन आंसर्स का, उसको ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वेयर द हैप्पी प्रिंस आईज बैड ऑफ, व्हाट डिड ही डू विथ देम। हैप्पी प्रिंस की आंखें जो थी वो किसकी बनी हुई थी, व्हाट डिड ही डू विद देम, और उनका उसने क्या किया। आंसर देखते हैं, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर मेड ऑफ टू ब्राइट सैफायर्स। जो हैप्पी प्रिंस था उसकी जो आंखें बनी हुई थी वो दो सैफायर्स की बनी हुई थी। सैफायर एक प्रकार का पत्थर होता है, नील पत्थर कह सकते हैं उसको हम, ये नीला पत्थर। ही हेल्प्ड अ प्लेराइट एंड अ गर्ल विद देम, जिससे उसने एक प्लेराइट की और एक लड़की की मदद की। यहां पे दो बार चल चुका है, he gave one safari to the playwright who was feeling cold and was hungry। usne do safaris mein se jo uski aankhon mein thi usme se ek safari jo thi ek playwright ko de di, jo ki thand se jo hai kaanp raha tha, thand bahut zyada thi aur bhookha bhi tha। he gave another safari to a mage girl who was crying for her matches that fell into the gutter। और दूसरी सफरीज हैप्पी प्रिंस ने जो अपनी आंख में लगी थी वो जो है एक मैच गर्ल को दे दी। मैच गर्ल मतलब जो माचिस से बेच रही थी उस गर्ल को दे दी, जिसकी माचिस जो थी वो गटर के अंदर गिर गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी, और जिसके कारण वो रो रही थी। इस प्रकार से दोनों सफरीज जो है हैप्पी प्रिंस ने जो है अपनी आंखों की वो दी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हैप्पी प्रिंस एडॉर्न्ड विद। हैप्पी प्रिंस जो था, एडॉर्न्ड का मतलब तो सुसज्जित होना। हैप्पी प्रिंस की जो बॉडी थी वो किस चीज से सुसज्जित थी, सजीवी थी। आंसर देखते हैं, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज एडॉर्न्ड विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी, मूर्ति जो थी, वो सोने की बहुत ही सुंदर सी पत्तियों से सजीवी थी, एडॉर्न्ड थी। He had two bright sapphires for his eyes। उसकी आंखों के अंदर दो बहुत ही चमकती हुई सी सैफरीज थी, नीला पत्थर लगा हुआ था उसके आंख के अंदर। And a large red ruby shined on the handle of his sword। और एक लाल रूबी पत्थर उसके तलवार की मूठ के अंदर लगा हुआ था, उसके हैंडल के अंदर लगा हुआ था। इस प्रकार से उसकी जो स्टैचू थी वो एडॉर्न में थी, सजीव थी। इसके आगे क्वेश्चन जो है वो हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।